ठीक है तो बैठिए, कहाँ है, चलिए मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, क्रियांश के जन्मदिन में मुलाकात करते हैं, ठीक है। नहीं, दिक्कत क्या है कि लेट हो जाएगा फिर लखनऊ पहुंचने में, अगला दिन 16 घंटा का हमको ड्राइव है। तो यहाँ से जो है दोनों का रूट जो अलग हो जाएगा, हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर और रुद्र भाई जाएंगे वहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। उनको जाना है, इतने दिन साथ में रहे ना तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो हम लोग गोकुल पहुंच गए हैं, गोकुल से अब हम लोगों को जो है यहाँ का मंदिर जाना है। बोल भाई राधे राधे, राधे। तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं गोकुल मंदिर के अंदर। ऐसे यहाँ सात गेटों के अंदर क्या है, नंद बाबा का, जहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। नहीं है यहाँ कौन है, बालकृष्ण, यहाँ लड्डू गोपाल थे। जो भगवान माधव चुराते थे तो उन गलियों में छुप जाते, गली गली में सो रहे, खाना माखन हो रहे, यहीं से भगवान का नाम पड़ा है माखन। माखन चोर भगवान की माखन जय। नंद बाबा ने पूरे गाँव को 9 लाख गाय दान दी। कितनी? 9 लाख गाय। तभी से पूरे गाँव का नाम पड़ गया गौकुल। गोकुल तो अच्छा। क्या है इसका आज भी गौकुल, ये सबसे पहली गली भगवान कृष्ण मक्खन चुरा के जो छिपते थे इन्हीं सब गलियों में। तो हम लोग उन गली से जा रहे हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान मक्खन चोरी करके छिपा करते थे। चढ़ा के 3 परिक्रमा। यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, यहाँ से खड़े होकर के नहीं जाना है, अपने घुटनों के बल पे जाना है। क्रियांश तो एक्सपर्ट है ही ऐसे चलने में। वाह, तो हम लोग आगे मनोकामना देवी के मंदिर के पास और यहाँ पर जो है यह इस पवित्र धागे को बांध रही है और साथ में मन्नत भी मांग रही है। कहा जाता है कि यहाँ से जो मन्नत मांग करके जाते हैं आपकी मन्नत पूर्ण होती है। मिला ये बांसुरी अंदर से और ये माटी खाने के लिए, लो खाओ मट्टी का मिठाई खाओ। तो मंदिर से दर्शन करके निकल गए जी और यहाँ पर जो है मम्मी और जिया अपने ले रही है चूड़ी, ले लेना सभी के लिए। तो क्रियांश जो है गोकुल धाम जो है अपना घूम लिया है, हैं पंडित जी इसको जो है एक बांसुरी दिए थे, इधर से बजाओ, छोड़ो अब बजाओ, इसको खाएगा ये, फुक क्या मारेगा ये। तो क्रियांश हम लोगों को ड्राइव करके ले जाएगा अगले स्पॉट पर, ठीक है क्रियांश, चले चलिए ड्राइवर। अगला स्पॉट है हम लोगों का गौरी गोपाल आश्रम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और बहुत बहुत ज्यादा मजा आया आज जो है। क्रियांश नानू नानी ऐसे रट रहा है, मम्मी नहा रही थी तो बोल रहा है नानी ओ नान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम। हम आ गए हैं जी गौरी गोपाल आश्रम, गाड़ी को पार्किंग में वहाँ पर लगा दिया है और अब सीधा चलते हैं उनके आश्रम। आचार्य जी के प्रवचन में जिया और जिया की मम्मी बैठी हुई है, हम लोग भी वहाँ कुछ देर थे, सुना है कि वृद्धाश्रम भी है, तो जा करके वृद्ध माताओं के एक बार दर्शन कराते हैं और कुछ जो भी बन पड़ेगा जरूर दान करेंगे। सभी माताओं के तो हमने दर्शन कर लिया जी, क्या कहें जी, बड़ा अजीब जैसा लग रहा है। इस उम्र में जिन्हें हमारे सहारे की जरूरत है, जो हमारे बचपन का सहारा थे, उन्हें हम बेसहारा छोड़ दिए इस उम्र में, तो अच्छा नहीं किया जी जिन्होंने भी ऐसा किया। और मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ जो भी माताएँ हैं सभी लग रहा अच्छे घरानों से हैं जिनके बच्चों ने उन्हें अनाज छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी माताएं हैं सभी खुश हैं, प्रसन्न है बिल्कुल। जब भी जा रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं राधे राधे, तो सभी की काफी अच्छा व्यवस्था की गई रहने की। हम भी चाहते हैं कि कभी भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे इन सभी के लिए, बाकी हमसे अभी जो बन पड़ रहा है अपना एक छोटा सा सहयोग करेंगे जरूर यहाँ पर। थोड़ा साइड होकर के पीछे भी बैठने दे दी।
The next day. तो जी हमारा घुमा हो गया मथुरा और वृंदावन, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, कुछ कुछ जगह रह गई है, लेकिन जो भी मैक्सिमम जगह होता है वह सब हमने कवर कर लिया है। तो सभी लोग अब जो है निकलने की तैयारी कर रहे हैं। क्रियांश का भी नहाना हो चुका है और क्रियांश जाना चाह रहा है लड्डू गोपाल के पास, ताकि उनका जो मुकुट बाल जो भी है सबको इधर उधर छितराना है। लेकिन बेचारा का मकसद जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा नाराज है। जिया का भी नहाना हो चुका है, तो अपना जिया हो रही है तैयार और पहुँच गया। तो जिया हम भी जा करके जब जल्दी नहाते हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं और सभी की गाड़ी भी तैयार है, सभी लोग का सामान भी अंदर जा चुका है और क्रियांश भी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है कि अब जो है यह अपनी दादी के पास जाएगा। यहाँ मथुरा वृंदावन में जो है अच्छे से इसका घूमना हो गया। नहीं, दिक्कत क्या है कि लेट हो जाएगा फिर लखनऊ पहुँचने में, अगला दिन 16 घंटा का हमको ड्राइव है। कोई बात नहीं, कुछ तीर्थ बाकी रहना चाहिए ना, ताकि आगे भी आ सके। एक बार होली के टाइम आएंगे, देखते हैं मौका मिले तो। अभी तो इतना भीड़ है, होली के टाइम में क्या भीड़ रहता होगा, बच्चा के लिए क्या ना, तो मम्मी ने के लिए टिक्का नहीं लगाई है ना। अच्छा है, इशारा कर रहा है इसे। ठीक है तो बैठिए, हम कहाँ है, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, क्रियांश के जन्मदिन में मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी, लेकिन इन दोनों सखी का जो है मिलन अच्छा अब खत्म हुआ, दोनों की आंखों में आंसू थे, तो अब विदा लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर गाड़ी हमने रोक लिया है जी, और बगल में ही यमुना एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से जो है दोनों का रूट जो अलग हो जाएगा। हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर और रुद्र भाई जाएंगे वहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, उनको जाना है। हाँ जी, तो काफी अच्छा लगा और हम लोग सोचे थे कि इतना ज्यादा कि आज भी हम लोग निधिवन घूम लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, टाइम नहीं है, इसीलिए पता नहीं रूस गया वो खुद उतर रहा था, ये पकड़ लिया। अच्छा, तो अब बारी है जी यहाँ से विदा लेने की, तो रुद्र भाई चलेंगे अपने रास्ते, हम चलेंगे उस रास्ते। बाय बाय, लगा दे। हम सोचे थे थोड़ा और दूर तक साथ में जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हो गया, आप दोनों की वजह से हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। एक बार साउथ इंडिया, एक बार पूरा नॉर्थ इंडिया, घूमते रहिए तीन चार घंटे तक। खाली आप लोग का प्लानिंग बनता है, आधे आधे प्लानिंग फ्लॉप। बात बनाइए ना, मैं यहां अभी फ्री ही है। हां हां, फ्री करिए करिए, तो चलिए फ्री कर दे। ठीक है, बाय बाय, पूरा कैंपिंग का सामान लेके आएंगे। चलो ठीक है, याद रहेगा चोट। बाय बेटू।